ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଶନ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିବ। ଟନେଲ ଭିତରେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ 41 ଜୀବନ। ଉତ୍ତରକାଶୀର ସିଲକେରା ଟନେଲ ଭିତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମିଶନ ଜୀବନ। ଏପଟେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀକୁ ଯାଇଛି ହୀରାକୁଦରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଗର ମେସିନ। ଗ୍ରୀନ କରିଡରରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଗର ମେସିନ ପଠାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା ଅଗର ମେସିନ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती है उन सब के बारे में जानकारी देता है। हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। एक स्पेशल एक टीम बुलाई गई जो जीपीए, एक होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम, जीपीआर की है, पार्सन्स करके एक है, उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशल टीम इमरजेंसी में बुलाई गई। सुडंग भीतर फसीथिबा श्रमिकों को उद्धार करिया पई चलीथिबा कार्य अंतिम पर्याय पहुंची। ए पर्यंत 57 मीटर रु पाखापाखी 50 मीटर पाइप ड्रिलिंग करा जायछि। निर्माणाधीन टनेल भूसुड़ी पड़िबारु नवंबर 12 तारीख रु बंचिबा पई संघर्ष करुछंती श्रमिक। योजना अनुसार एक 3 फुट पाइप भीतर देई जण जण करी श्रमिकों को बाहर करा जिवो। चक लागिथिबा एक स्ट्रेचर प्रथमे भीतरकु जिवो, बाहर पटरु एक सख्त दौड़ी एही स्ट्रेचर रे बंधा होई रहिबो। से पाखरु जणे श्रमिक स्ट्रेचर उपरे सोई रहिबे ओ एपटे बाहर पाखरु उद्धारकारी टीम दौड़ी माध्यम रे स्ट्रेचर सह श्रमिकों को टाणी बाहर को आणिबे। एहिपरी जणक परे जणे श्रमिकों को उद्धार पई प्रति थर स्ट्रेचर को भीतरकु पठा जिवो। एनडीआरएफ टीम रो एही प्रस्तुति उद्धार कार्य शीघ्र शेष होबा आशा बढ़ाई। समस्त निरापदे टनेल भितर बाहर करने लगी प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन रो समय जिते कमुची देशरे लोक मानक मध्यरे उत्कंठा सेते बढ़ुची। तेबे आउ किछि समय परे टनेल उद्धार हेबे समस्त 41 श्रमिक। उत्तर कैसरी वीडियो जर्नलिस्ट नीरज को सह मनोज महांती, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।